हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं व्रत की थाली बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये गाजर लिया है और इलायची, काजू लिया है, अखरोट लिया है, बादाम लिया है और ये मैंने मखाने लिए हैं। ये चीनी है, ये मावा है, ये एक लीटर दूध है। मैं आधे की बर्फी बनाऊंगी और आधे की खीर बनाऊंगी। ये मैं बनाऊंगी आलू, मूंगफली के दाने और मखाने। व्रत की सब्जी मैं बनाऊंगी। व्रत की सब्जी के लिए मैंने ये हरे मिर्च लिए हैं 3, और ये मैं अदरक छील के लिए, और ये मूंगफली के दाने जो हैं इनको मैं रोस्ट करूंगी, और रोस्ट करके इनका छिलका मैं निकाल दूंगी, और निकालने के बाद तब मैं इनको देसी घी में फ्राई करके आलू में मैश करूंगी। ये मैंने 2 बड़े आलू मैंने कद्दूकस से किया हुआ है, और ये 2 हरे मिर्चे हैं, ये अदरक है, ये हरी धनिया है, और ये जो है साबूदाना का पाउडर है। साबूदाना का पाउडर मैंने साबूदाने को धुल के और धो के मैंने इसको रोस्ट किया है फ्राई पैन में। फ्राई पैन जब सूख गया है तब इसको मिक्सी से मैंने ग्राइंड किया है। आप इसको पहले से भी सुखा के, धो के सुखा के और पेस्ट बना के रख सकती हैं। इसका मैं कटलेट बनाऊंगी खाने के लिए व्रत का। फ्रूट्स ये मैं खाने के लिए रखे हुए हैं। आप चाहे तो इसकी पुडिंग भी बना सकती हैं। ये देखिए मैंने गाजर को कस लिया है। अब मैं गाजर की बर्फी और गाजर की खीर बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने को रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट हो जाएंगे तब इनको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी, और फिर इनका छिलका मैं इस तरह से ऐसे मिसल के मैं इनका छिलका निकाल दूंगी, सारे निकल जाएंगे। गाजर को मैं कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सॉफ्ट होने के लिए। आधी गाजर इसमें डाल रही हूँ, आधी की मैं खीर बनाऊंगी। अब मैं इसको सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, घी मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें मैं घी मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं गाजर ऐड कर दूंगी। मिनट इसको मैं ऐसे भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी। सॉफ्ट हो गई है और घी में भून गई है। भूनने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे अगर पड़ेगा तो, और बाद में डालेंगे। इसमें मैंने दूध डाल दिया है। जब ये देखेंगे दूध में अच्छी तरह से पक जाएगी, इस तरह से देखेंगे, गाजर जब पूरी पक जाएगी तब मैं देसी घी में फ्राई करके सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी, और इलायची का पाउडर और चीनी ऐड करूंगी। इसको धीमी धीमी आंच में पकने देंगे, और इसको पकने में कम से कम 15-20 मिनट लग सकता है। और ये मैंने फुल क्रीम का दूध डाला है, जिससे ये बहुत टेस्टी बनके रेडी होगी। अब देखिए मैं इधर देखती हूँ कि गाजर बहुत अच्छे से
सॉफ्ट हो गई है और पक भी गई है। अब गाइस इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ और इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मावा डालूंगी, अब इसमें मैं मावा ऐड कर रही हूं। अब इसको मैं जब तक भूनूंगी जब तक ये बर्फी की तरह कटने लायक नहीं हो जाएगी, मतलब पानी बिल्कुल सूख जाएगा। अभी इसको चला चला कर मैं भूनूंगी, फिर मैं इसको निकाल के कोई प्लेट में जमा दूंगी। इधर मेरा गाजर की खीर हो रही है, ये देखिए गाजर की खीर हो गई है करीब करीब, लेकिन अभी इसमें 5 मिनट और लगेगा। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी के बाद मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और ये जब अच्छी तरह से पक जाएगी तब इसमें देसी घी में फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से सब डालूंगी। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो आप ड्राई फ्रूट्स को पीस के भी इसमें डाल सकती हैं और इसको आप कुकर में भी बना सकती हैं, अच्छे से भी बन जाएगा उसमें भी, लेकिन भगोने में भी अच्छा बनेगा आप देखिएगा। ये देखिए मैंने मूंगफली के दानों को रोस्ट करके ठंडा करके और इनका छिलका मैंने मिसल के निकाल दिया है, निकाल के ये साफ हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं इनको एक कटोरी में निकाल रही हूँ और इसमें मैं एक चम्मच देसी घी डालूंगी और सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें भूनूंगी और ये बादाम मैं छीलती हूँ। ये देखिए मैं मखाने और काजू ड्राई फ्रूट में ये भून रही हूँ। ये देखिए मेरी गाजर की खीर बनके रेडी हो गई है और मैं जब सर्व करूंगी तब ऊपर से मैं ये बादाम और ये जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऊपर से मैं डालूंगी। ये मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, फिर इसको मैं चाकू की सहायता से काट लूंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ, अब मैं कटलेट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। जब तक ये होता है तब तक मैं कटलेट बना लेती हूँ। एक बाउल में मैं ये कद्दूकस किया हुआ मैं आलू डाला है और ऊपर से मैं ये फाइन साबुदाना का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साबुदाना पाउडर के बाद मैं ये कटी हुई अदरक मैं डाल रही हूँ, ये मैं हरा मिर्च ऐड कर रही हूँ और ये मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं सेंधा नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, सेंधा नमक ऊपर से जिसको खाना होगा वो ऐड कर लेगा। आपको डालना है, आपके यहाँ सब लोग खाते हैं आप डाल सकती हैं।
अब मैं इसको अच्छे से मैश करूंगी। मैश करने के बाद मैं देखूंगी आयल हो गया है, तब उसमें आप इसको, आप इसकी पूड़ी भी बना सकती हैं, आप इसकी पूड़ी भी बना सकती हैं, आप जिस आकार में इसको बनाना हो आप बना लीजिए। मैंने इसको देखिए ऐसे मैश कर लिया है। अब मैं इसके, आप जिस आकार में बनाना चाहें आप बना सकती हैं। मैं इस तरह से मैं बना रही हूँ। आप टिक्की की तरह भी बना सकती हैं, इसकी पूड़ियां भी निकाल सकती हैं और इसको गोल भी बना सकती हैं, बाउल की तरह भी बना सकती हैं। आपको जिस आकार में आपको बनाना है तो आप बना सकती हैं। ये देखिए मेरा बनके रेडी हो गया। अब मैं इसमें ऑयल में मैं डालती हूँ। ब्राउन जब सारे हो जाएंगे तब मैं निकाल लूंगी इनको। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के खाना चाहे तो सेंधा नमक भी डाल के खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आज थोड़ी तेज होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए ये ब्राउन हो गए हैं और मैं इनको मैं निकाल रही हूँ। आप इनकी पूड़ी भी बना सकती हैं, टिक्की की तरह भी बना सकती हैं, बॉल की तरह भी बना सकती हैं, पूड़ी बना के आप परेठा भी बना सकती हैं इसका। आप जो इच्छा हो व्रत में आप बना सकती हैं। अब इसमें मैं एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और देसी घी डालने के बाद मैं ये मूंगफली के दाने इसमें मैं डालूंगी और ये मखाना, ये मैं देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ। पहले हल्का सा ऐसे ही रोस्ट किया था और छिलका उतारने के लिए। अब ये मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से देसी घी में। खूब अच्छी महक आने लगेगी और इसको मैं आलू में ऐड नहीं करूंगी क्योंकि आलू नरम होती है और इसलिए मूंगफली के दाने भी और मखाने भी मुलायम हो जाएंगे। जब खाने की रेडी हो कोई तब उसमें ऊपर से मैं ऐड करूंगी। अब ये हो गया है, मैं इसको उतार रही हूँ। अब मैं आलू की व्रत वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैं अदरक कद्दूकस कर रही हूँ। अदरक डाल दिया मैंने। और मिर्चे मैं बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चीरा लगा के समूचे डालेंगे क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है, इसलिए मैं मिर्चा समूचा ही ऐड करूंगी और थोड़ा सा चीरा लगाऊंगी इसलिए कि ये फटे नहीं। और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड नहीं कर रही हूँ ना। अगर नमक इसको जब खाना होगा वो ऐड कर लूंगी। अब मैं ये भून लिया है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर 2 मिनट जब हो जाएगा तब मैं इसमें
आलू ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने के बाद मैं इसमें दो मिनट के लिए मैं इसको ढकूंगी। दो मिनट के लिए इसको ढकूंगी, फिर देखती हूँ। अब मैं देखती हूँ इसको, आलू टमाटर अच्छे से पक गए। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर लूंगी ढेर सारी। हम लोग नमक नहीं खाते हैं इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। आप नमक ऐड कर सकती हैं। नमक ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवीदार भी बना सकती हैं, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी, जो मखाने और मूंगफली के दाने मैंने जब खाने की टाइम में ऊपर से इसको डालूंगी। अगर इसके साथ मैं डाल दूंगी और खाने वाला अभी रेडी नहीं है तो ये सब मुलायम हो जाते हैं। अब मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। अब मैं थाली लगाती हूँ ब्रेड की। गाजर की बर्फी बनके रेडी हो गई है और ये मेरी खीर बनके रेडी हो गई है, जिसमें ये फ्रूट्स मैंने देसी घी में फ्राई करके रखे हुए हैं। सर्व करने के टाइम मैं डालूंगी ये बादाम और फ्रूट्स। ये कटलेट मेरे बनके रेडी हो गए हैं, जो कि ऐसे जिसको खाना है वो खाएगा और सब्जी के साथ जिसको खाना है वो भी खाएगा। ये सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है और ये जो मूंगफली के दाने और मखाने मैंने देसी घी में फ्राई किए हैं, ये आलू में सर्व करते टाइम मैं डालूंगी। अब मैं थाली लगाती हूँ। ये देखिए मेरी व्रत की थाली बनके रेडी हो गई है। ये मैंने गाजर की बर्फी बनाई है और ये देसी घी में मैंने फ्राई किए मूंगफली के दाने और मखाने, जो कि ये आलू के ऊपर खाने के टाइम डाल के खा सकते हैं। ये मैंने कटलेट बनाए हैं। आप इसको पूड़ी समझें तो सब्जी के साथ खा सकती हैं, आप जिस आकार में बनाना चाहें खा सकती हैं। ये मैंने फ्रूट्स रखे हैं कुछ खाने के लिए और ये मैंने गाजर की खीर रखी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिएगा और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।